एसोसिएशन विद हिमालय ग्रीन टी तुलसी। सेहत का ये एपिसोड आप तक लाए हैं हिमालय ग्रीन टी तुलसी। ये आपकी इम्यूनिटी और सेहत के लिए फायदेमंद है। नरेश 40 साल के हैं। पिछले कुछ समय से उनके साथ ऐसा हो रहा है कि वो चलते चलते चीजों से लड़ जाते हैं, भिड़ जाते हैं, गिर पड़ते हैं। उनका बैलेंस एकदम बिगड़ गया है, चक्कर आने लगे थे उनको। एक दिन परेशान होकर उन्होंने डॉक्टर को दिखाया। पता है क्या पता चला? ये पता चला कि उनके साथ ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि उनके कान के अंदरूनी हिस्से में समस्या है। इस बीमारी का नाम है वेस्टिबुलर हाइपरफंक्शन। कई बार चक्कर आने और बैलेंस बिगड़ने के पीछे इसका हाथ होता है। तो चलिए डॉक्टर से जानते हैं ये क्या है और इसका इलाज क्या है। इनर ईयर जिसको हम बोलते हैं, उसके कम काम करने की वजह से होता है। कान के हमारे दो काम है, एक तो सुनाई देना और दूसरा बॉडी का बैलेंस बना के रखना। बॉडी के बैलेंस के लिए तीन चीजें इंपॉर्टेंट है। पहला तो हमारे ज्वाइंट जो हमारे हाथों पैरों के हैं वो, दूसरा हमारा कान और तीसरी हमारी आंख। यहाँ से पेरिफेरल इम्पल्सेस जो है वो हमारे ब्रेन को जाते हैं और हमारी बॉडी का बैलेंस ब्रेन मेंटेन करके रखता है। तो जो हमारा इनर ईयर है, जिस तरीके से वाटर लेवल है, जिससे हमें स्लोप का मालूम चलता है कि किस तरफ ग्रेविटी है, किस तरफ स्लोप है, इसी तरीके से एक थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर हमारे कान के अंदर फिट है जो दोनों तरफ होता है। ये बॉडी के बैलेंस बनाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, जिसे हम वेस्टिबुलर ऑर्गन कहते हैं। अब कई सारी बीमारियां हैं जो केवल कान के अंदर होती हैं, जैसे कि मीनियस डिसीज हो गई, ऑटोस्क्लोरोसिस हो गई, बीपीपीबी हो गई, ये पर्टिकुलरली केवल अंदर ईयर को ही इफेक्ट करते हैं। लेकिन हमारे शरीर में बहुत सारी बीमारियां ऐसी होती हैं जो सारे शरीर को इफेक्ट करती हैं, जिसकी वजह से ये कान का वेस्टिबुलर फंक्शंस का कम काम करना हो जाता है, जिससे हमें चक्कर आते हैं। तो सिंपल इन्फेक्शन जो वायरल इन्फेक्शंस होते हैं वो भी हमारे कान को इफेक्ट करते हैं। कान से पस आना, किसी भी तरीके के इन्फेक्शंस हमारे कान को इफेक्ट कर सकते हैं। दूसरी हमारी मेटाबॉलिक डिसीजेज हैं, जैसे कि डायबिटीज हो गई, हमारे शुगर का लेवल का ऊपर नीचे होना, ये भी कानों को इफेक्ट करता है। बहुत सारी कैंसर वाली कंडीशंस हैं जो कान के आसपास होती हैं, कान की नसों में होती हैं, जो इसको इफेक्ट कर सकती हैं। हमारे लिए कुछ ड्रग्स ऐसी हैं जो डायुरेटिक्स हैं, जो हमारे अमीनोग्लाइकोसाइड्स हैं और जो हमारे कैंसर के ड्रग्स हैं, वो भी हमारे अंदरूनी कान को इफेक्ट करके कान के फंक्शंस को कम कर सकते हैं। यदि हम इस बीमारी के लक्षण के बारे में बात करें तो बाहर की चीज़ों का घूमते हुए दिखाई देना, जिसे हम बोलते हैं वर्टिगो। दूसरा हमारे सिर का चारों तरफ घूमना, हमारे सिर के मूवमेंट्स के साथ बाहर की चीज़ों का हिलते हुए दिखाई देना, जिसको हम ऑसिलोप्सिया बोलते हैं। इसके अलावा हमें वॉमिटिंग हो जाना या वॉमिटिंग जैसा, जिसे हम नौजिया कहते हैं, फील होना, ये मुख्य लक्षण हैं इनके। वो हमारे पास बहुत सारी मेडिसिंस हैं जिससे हम इनके सिम्टम्स को कम कर सकते हैं। जिस तरीके से ये बीमारी है, ये लंबे समय के लिए होती है और बार बार एपिसोडिक होती है और लंबे समय चलती है, तो मुख्यतः इलाज इसका एक्सरसाइज से होता है। एक्सरसाइज पे हमारा मेन फोकस होता है गेज स्टेबलाइज करना, हमारे जो वॉकिंग एंड्योरेंस है, जो हमारी टॉलरेंस है, इनको इम्प्रूव करना, और एक्सरसाइज के साथ ही ये हमारी बॉडी की एक्टिविटी और जो चक्कर के हैं ये कंट्रोल में आ जाते हैं। ये एक्सरसाइज हम लेट के भी कर सकते हैं, बैठ के भी कर सकते हैं, खड़े होके भी कर सकते हैं, और ड्यूरिंग हमारी एक्टिविटी भी होती है। नॉर्मली इस तरीके की एक्सरसाइज हम सुबह और शाम 10-10 मिनट के लिए भी करें तो इस हमारे जो नॉर्मल एक्टिविटी है जो वेस्टिबुलर हाइपरफंक्शन की वजह से इफेक्ट हुई है, काफी इंप्रूव कर जाती है और हम लगभग नॉर्मल लाइफ जी पाते हैं इसके साथ में। अगर आपको भी लगता है कि आपका बैलेंस आजकल थोड़ा बिगड़ा हुआ है और डॉक्टर साहब के बताए गए लक्षण भी आपको महसूस हो रहे हैं, तो जरूर डॉक्टर को दिखाएं। अब बढ़ते हैं सेहत के अगले सेगमेंट की तरफ, तन की बात। जानिए क्या होती है शुगरिंग और क्या ये आपको ट्राई करनी चाहिए। इंटरनेट पर आए दिन कोई ना कोई ब्यूटी हैक ट्रेंड करता रहता है और उसे देखकर सैकड़ों लोग उसे ट्राई भी करने लगते हैं, बिना जाने कि वो आपके लिए सेफ है भी या नहीं। फिलहाल आजकल एक ऐसा ही ट्रेंड बहुत सुर्खियां बटोर रहा है और इसका नाम है शुगरिंग। ये एक शरीर से बाल हटाने का तरीका है जैसे वैक्सिंग, पर क्या इसे ट्राई करना सेफ है? इसमें एक पेस्ट बनता है पानी, नींबू का जूस और शक्कर का। इस पेस्ट को पहले गर्म किया जाता है और फिर इसे थोड़ी देर के लिए ठंडा किया जाता है और इसके बाद इसे स्किन पर लगाया जाता है। वैक्सिंग की तरह ये बालों को जड़ से हटा देता है। वैक्सिंग में वैक्स उस दिशा में लगाया जाता है जिसमें बालों की ग्रोथ होती है, फिर एक स्ट्रिप की मदद से बाल खींचे जाते हैं।
बालों की ग्रोथ की उल्टी दिशा में। शुगरिंग में इसका ठीक उल्टा होता है, पेस्ट को बालों की उल्टी दिशा में लगाया जाता है, फिर इसी दिशा में यानी खींचा भी जाता है एक स्ट्रिप की मदद से। आप इसकी मदद से चेहरे, बगलों, हाथ, पैर और पीठ के बाल हटा सकते हैं, पर एक्सपर्ट्स का मानना है कि सेंसिटिव स्किन वालों को इस टेक्निक से दूर ही रहना चाहिए। अव्वल तो जो पेस्ट बनाया जाता है उसे स्किन के जलने का ज्यादा खतरा होता है, वैक्सिंग से कई गुना ज्यादा, यानी वैक्सिंग में जो वैक्स होता है उसे कई गुना ज्यादा। अगर ये पेस्ट गर्म होगा तो आपकी स्किन जल सकती है। और दूसरी बात, इस पेस्ट को लगाने से पहले थोड़ा ठंडा किया जाता है, अगर पेस्ट ज्यादा ठंडा हो जाएगा तो ये बेकार है। जिन लोगों की सेंसिटिव स्किन होती है, शुगरिंग से उनकी स्किन पर लाल दाने निकल आते हैं, साथ ही खुजली और रेडनेस भी रहती है, इसलिए इसे अवॉइड करिए। समझे? अब बारी सेहत के आखिरी सेगमेंट की, खुराक यानी झकासी हेल्थ टिप। जानिए सोफे पर पसर कर खाना क्यों नहीं खाना चाहिए। सोफे पर आराम से लेटकर खाना खा रहे हैं, सामने टीवी चल रहा है, वाह आनंद ही आनंद, पर पता है ये आपकी सेहत के लिए बहुत ज्यादा नुकसानदेह होता है। क्यों? क्योंकि इससे होती है आपके सीने में जलन, जिसे कहते हैं हार्ट बर्न। अब आप बोलेंगे कि सोफे में ऐसा क्या है कि सीने में जलन होने लगी। देखिए, अगर आप खाना खाते हुए गलत पोजिशन में बैठे हैं तो आपको एसिडिटी और सीने में जलन की परेशानी होती है। खाने के साथ साथ उसे बचाने वाले जो जूस हैं आपके पेट में, वो भी वापस आपके एसोफेगस में जाने लगते हैं। एसोफेगस एक तरह का ट्यूब होता है जो गले को आपके पेट से जोड़ता है, इसलिए ज़रूरी है कि आप सीधे बैठ कर खाना खाइए, पसर कर नहीं। आज सेहत पर इतना ही। अगर आप एक डॉक्टर हैं, हमसे कुछ शेयर करना चाहते हैं, तो जो ईमेल आईडी इस वक्त आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रही है उस पर हमें एक मेल भेज दीजिए। शुक्रिया।